नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 और मैं हूं आपके साथ शिवानी। आपको बता दें कि मुंबई में आज पिछले काफी दिनों से जिस तरह से बारिश की स्थिति बनी हुई है, जानमाल का भी खतरा बन चुका है। वही अगर बात करें नवी मुंबई की, तो नवी मुंबई की स्थित पांडवकड़ा फॉल में चार छात्रा डूब गई। वहीं आपको बता दें कि छात्राएं पिकनिक के लिए सुबह वहां पहुंची थी, जिस दौरान अचानक तेजी से आए पानी में चार छात्राएं बह गई। जानकारी मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया, जिसमें एक छात्रा का शव बरामद कर लिया गया। बताया जा रहा है कि सात युवतियां पिकनिक मनाने पांडवकड़ा इलाके में आई हुई थी, वहीं तभी तेज बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में चार लड़कियां बह गई। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मदद के लिए आगे बढ़ी और कोशिश करके पुलिस ने तीन लड़कियों को किसी भी तरह बचा लिया। आपको बता दें कि चार छात्राएं बारिश में बह गई हैं। वहीं आपको एक बार फिर हम बता दें कि जिस तरह से मुंबई में बारिश की स्थिति बनी हुई है, काफी लोगों की अभी तक जाने जा चुकी है और लगातार मुंबई में अभी भी बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश की वजह से मुंबई के लोगों को खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं अंधेरी इलाके में पानी पूरी तरह से फैल गया और मुंबई का मलार सबवे भी डूब गया है। साथ ही ट्रैफिक पर भी रोक लग गई है। आपको बता दें कि मुंबई के मुलुंड रेलवे स्टेशन भी पानी में डूबा हुआ है। वहीं थाने में भी भारी बारिश के चलते सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। मुंबई के कांदिवली इलाके में पूर्व हनुमान नगर के घरों में भी पानी घुस चुका है। वहीं गली मोहल्ले में भी पानी घुटनों तक पहुंच चुका है। जिस तरह से बारिश की स्थिति वहां पे बनी हुई है, सामने जो नजारा देखने को आ रहा है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से बरसात की भारी बारिश में एक बस जो है वो आपको लगातार चलती जा रही है और किस हद तक ये बस जो है पानी में डूबी हुई है, आप इस वीडियो में लगातार देख सकते हैं। आपको बता दें कि मुंबई और आसपास के कई इलाकों में देर रात से भी भारी बारिश हुई है, जिसे शनिवार की सुबह सड़कों पर भी भारी जल भरा हो चुका है। वहीं मौसम विभाग ने सोमवार तक शहर में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है और रविवार तक के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं मुंबई के अलावा घाटों समेत पश्चिम और मध्य महाराष्ट्र के इलाकों में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि 4 से 5 अगस्त को भारी से बेहद भारी बारिश कोकण और मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी हो सकती है। आपको बता दें कि जिस तरह से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, उसी कारण से अंधेरी और दसिहर सबवे में यातायात भी प्रभावित हो चला है। वही बीएमसी ने सभी मोबाइल ऑपरेटरों से ये मैसेज अपने कस्टमर्स को भेजने के लिए कहा है, और जिसमें अलर्ट जारी किया गया है कि 3 दिनों तक मुंबई में लगातार भारी बारिश होगी और उन्हें उनके घर से बाहर निकलने को भी मना किया गया है। अगर हम देखें तो जिस तरह से बिहार एक तरफ बारिश की वजह से अभी भी फंसा हुआ है, उसी के बाद अगर हम देखें तो मुंबई की भी स्थिति इससे भी ज्यादा बद से बदतर हो चली है। लोग जहां घर से बाहर निकलने को मजबूर हो चुके हैं, वहीं बारिश का पानी किसी किसी के घर में, गली मोहल्लों, हर जगह पहुंच चुका है। वहीं अगर देखें तो कहीं ना कहीं बारिश की वजह से अभी तक कई लोगों की जान भी जा चुके हैं। अब देखना यह है कि जिस तरह से मौसम का कहर लोगों पर टूट रहा है, आने वाले दिनों में क्या कुछ हमें मौसम विभाग से जानकारी मिलती है और किस तरह से लोग इस मौसम के बदलाव से या कहे कि मौसम के मार से खुद को बचा पाते हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें न्यूज़ 11। नमस्कार। न्यूज़ 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।